बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर की भर्ती की प्रक्रिया क्या है? जूनियर जो 6 से लेकर 8 तक है, जो मध्य माध्यमिक के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें हम 6 से 8 तक के लिए जो आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और सीटेट में कितने अंक होने चाहिए, बिहार राज्य के बाहर माने अदर स्टेट के जो भारत के नागरिक हैं वे आवेदन कैसे कर पाएंगे, उनके लिए सीटेट में जो अंकों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 82 या 90। साथ ही साथ एक और सवाल है कि जो अभ्यर्थी सीटेट नहीं पास हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, अगर अभी तक आप सीटेट पास नहीं है पेपर 2 का, उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। इसमें BTC, DLED और BEd में से अगर कोई एक डिग्री 2 वर्षीय आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सीटेट पेपर 2 माने जूनियर अगर पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास अपेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, मेरिट कैसे बनने वाली है, विज्ञान गणित के लिए क्या होगी, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या होगी, भाषा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के लिए क्या होगी, सीटेट में कितने अंक चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए। इस पर भी मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था कि आपके अगर मार्कशीट पर पास लिखा है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भी भरिएगा और सिलेक्शन भी लीजिएगा। आपने देखा बिहार में अभी जो 7वां चरण की बहाली हुई है जिसमें BPSC ने परीक्षा कराई है, उसमें जो भी महिलाएं थी जिनके जो महिला बार बार कमेंट करी सर मेरे मैं पास हूँ अपनी कैटेगरी में यूपी में और मैं अगर बिहार में जाऊँगी तो वहाँ 90 चाहिए, तो वहाँ पे उनके जो अपनी कैटेगरी पास थी वहाँ काउंसलिंग करा के इस समय वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट मार्कशीट जिनके पास लिखा है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और अपेयरिंग में डाल अगर आपको थोड़ा संशय है अपेयरिंग में डाल दीजिए, अगर अगली बार आप 90 प्लस कर लेते हैं तो वो मार्कशीट लगाएगा, नहीं तो अपनी पुरानी मार्कशीट जो आपके पास है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने स्वविवेक का प्रयोग करना, मतलब अगर आप सीटेट नहीं पास हैं या संशय है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीटेट जूनियर की फॉर्म भरिएगा, अपेयरिंग में डालकर तैयारी भी करते रहिए। सीटेट के भी पूरे नोट्स इलानी भी दुर्गेश पर मिल जाएंगे, पूरे NCERT है, और मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती का जो पूरा सिलेबस है आपके सीटेट से मैच कर रहा है, क्योंकि इसका जो पूरा पैटर्न है वो NCERT है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे NCERT पैटर्न पे इसकी परीक्षा होनी है, और जब NCERT पैटर्न पे आपको लग रहा है इसका पेपर होना है तो NCERT की तैयारी आप यहाँ से कर पाएंगे। एक अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करूँ, जैसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, गणित विज्ञान, अभी तक गणित और विज्ञान के उम्मीद लग रही है गणित के पेपर अलग होंगे, विज्ञान के पेपर अलग होंगे, लेकिन अभी भी कुछ BPSC द्वारा वहाँ के कर्मचारियों से बात होती लग रहा है कि उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि गणित के अलग विज्ञान के अलग माने दोनों विषयों की अलग अलग पेपर होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये भी मान के चलते हैं एक ही विषय को मान के चलते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान है, भाषा में हिंदी है, संस्कृत अंग्रेजी है, भोजपुरी है, मैथिली है, प्राकृत है, वहाँ की उर्दू है, तो बहुत सारी वहाँ भाषाएं हैं, तो हम अगर मैं यूपी से हूँ अदर स्टेट है तो इन पे मैं फोकस करूंगा, जो जो चीज़ें आपके लिए प्रमुख है इनका पेपर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले मैं एक क्रम से अब फिर से मैं सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच जाएगा जो BTC BEd कर एक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं योग्यता की बात कर रहा हूं, अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के लिए सबसे पहले आप BTC BEd या DLED अगर आपने 2 वर्ष प्रशिक्षण ले लिया है या इसमें अपेयरिंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, चतुर्थ सेमेस्टर में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, सीटेट पेपर 2 अगर पास है तो ठीक है, नहीं पास है तो अपेयरिंग में आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म। सीटेट में 82 या 90 प्लस चाहिए, अगर 90 प्लस है तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन 82 प्लस वालों की भी काउंसलिंग बिहार में हुई है तो इसलिए आपको डरना नहीं, अगर आपकी मार्कशीट पर पास लिखा तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा संशय है तो अपेयरिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या अपेयरिंग में डाल दीजिए, सीटेट आने वाला है दिसंबर में, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सीटेट के साथ साथ BTED भी होता है, सीटेट नहीं है अगर किसी का तो वहाँ पे BTED है, तो अगर BTED अदर स्टेट वाले तो BTED दिए नहीं होंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने BTED तो दिया नहीं होगा, BTED तो बिहार वाले दिया होगा, इसलिए आप लोग सीटेट दिए अगर अदर स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की संशय लेने की बात नहीं है। तो BTED हो गया, मतलब BTED यहाँ पे आपने नहीं दिया होगा, तो अब आपको पता हो गया कि आप BTC DLED या BEd है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सीटेट में 2 स्ट्रीम होता है, एक SST होता है, साइंस और मैथ होता है, तो जो एग्रीकल्चर से हैं, BTech हैं, ध्यान समझिएगा, एग्रीकल्चर हैं, BTech हैं या BSc जिन्होंने किया हुआ है वो साइंस स्ट्रीम में आते हैं, वो साइंस स्ट्रीम में आते हैं, वो साइंस और मैथ से फॉर्म सीटेट को पेपर 2 पास करेंगे, और जो सोशल से हैं, जो BA हैं, BBA हैं, कॉमर्स से हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सारे लोग, या होम साइंस से अगर कोई है तो वो भी आपका सामाजिक विज्ञान में उनको पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से पास करना होगा सीटेट का।
और अगर स्ट्रीम आपका नहीं ऐसा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के साथ साथ जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं बीए था, मैं गणित विज्ञान से पास हूँ, मैं गणित विज्ञान से था समाज विज्ञान का पास हूँ, अपेयरिंग में डाल दीजिए। अगर अपेयरिंग वाला में अगर आप पास हो गए ठीक है, नहीं यही मार्कशीट लगा दीजिएगा। अगर मान लिए तो आपको नौकरी मिल गई, नहीं मानेंगे तो आपको जान रहे हैं कि गलती हुई है, तो यहाँ पर भी आप बच सकते हैं। इसलिए ऐसे भी लोग अभ्यर्थी ने यूट्यूब पर कॉमेंट किया था कि सर मैं अलग स्ट्रीम से पास हो गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, आप अपेयरिंग में फॉर्म भर दीजिएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा उसमें क्या संशय है, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी है वो सामाजिक विज्ञान में कोई सामाजिक विज्ञान चूज कर सकते हैं या भाषा भी वो चयन कर सकते हैं। भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली है, मैथिली है, भोजपुरी है, उर्दू है, जो भी भाषाएं होंगी वो भाषा का चयन कर सकते हैं। वैसे प्रमुख रूप से जो भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, ये सब पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पर होगा। मतलब आवेदन करने के लिए जो योग्यता थी वो आपको समझ में आ गई। बीटीसी, बीएड, डीएलएड वो भी अपेयरिंग में भी चल सकता है। आप सीटेट पास है या नहीं पास है अपेयरिंग में भी चल सकता है। 82-90 उसमें घबराना नहीं, अगर आप अपनी कैटेगरी में पास है तो दे सकते हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी बीटेट दिए नहीं होंगे, वैसे बीटेट वालों के लिए भी है वो जो बीटेट दिए होंगे। ये मैं बात करूँ 6 से 8 तक की भर्ती के लिए, जिसे हम जूनियर शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं ठीक है। ये मध्य माध्यमिक है और मध्य माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक है, तो मैं मध्य माध्यमिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक हो गया। अब पेपर के पैटर्न की तरफ चलते हैं। पेपर का पैटर्न इसका कैसे होने वाला, इसकी परीक्षा कैसे होने वाली है। सबसे पहले तो जान लीजिएगा जो साइंस और मैथ की जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें साइंस मैथ की बात कर रहा था, वहां से एक बात आपको ये जानना है और सभी को समझना भी होगा। सॉरी, जो साइंस है, जो अभ्यर्थी साइंस है, चलिए जो साइंस और गणित से हैं, अगर विज्ञान का उनके लिए अलग पेपर होगा, पहले पेपर का पैटर्न क्या होगा इसको समझ लेते हैं, तब हम इस विषय की तरफ आते हैं। अब ये जानते हैं परीक्षा में जो सिलेबस होगा वो कैसे बनेगा। उस सिलेबस की मैं बात करूँ तो पेपर दो तरह से होगा, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकेंड होगा। पेपर फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें इसके अंक जो है 100 नंबर का है। 100 नंबर में क्या है, पहला भाषा अंग्रेजी है, सभी के लिए अनिवार्य होगा, ये है आपका इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। इंग्लिश में 25 प्रश्न होंगे, ये सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा जो भाषा होगा ये 75 नंबर का होगा, यहाँ पे जो लैंग्वेज है 75, इसमें आप हिंदी रख सकते हैं, हिंदी है और बंगाली है, उर्दू है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप हिंदी रखते हैं तो यहाँ पर हिंदी भी रख सकते हैं आप। अब इस तरह दोनों मिलाकर 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, इसमें आपके बन गए कितने टोटल हो गए 100 नंबर। 100 में से आपको लाना कितना है 30, मतलब इसमें से आपको 30 मार्क लाना है 100 में से। आप इससे ज़्यादा भी लाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम होगा तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी, आपके रिजल्ट जारी नहीं होगी, इसलिए इसको पास करना अनिवार्य है। ये सभी के लिए पास करना अनिवार्य है। लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें 30+ आपको अंक लाने हैं, कितने लाने हैं 30 से ज्यादा, 30 से कम होगा तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं हो पाएगी, आप घर वापसी हो जाएगी। तो भाषा का पेपर उम्मीद करता हूँ आसानी से आप 100+ कर लेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या ई-लर्निंग भी दुर्गेश से नोट्स या कहीं से तैयारी अपनी कर रहे हैं तो इस भाषा की खाली प्रैक्टिस करिएगा, इसके भाषा की केवल प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चाहे PIIT की तैयारी करें, चाहे जूनियर की तैयारी करें, TGT चाहे PGT, माने मध्य माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी में ये भाषा सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 30+ लाना, इस पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इस पर केवल पास होना है। अब दूसरा जो पेपर सेकंड होगा, इस पेपर सेकंड के बारे में आपसे बात कर लूँ और इस पर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो पेपर सेकंड होगा, यह जो पूरा पेपर होगा ये 120 अंकों का होगा, कितने 120 अंक का होगा। इस 120 अंक के पेपर में आपको जितना अधिक स्कोर करेंगे उतना सिलेक्शन के लिए बढ़िया होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंक नहीं होंगे। पेपर की कठिनाई इस तरफ कम हो जाएगी, क्योंकि BPSC ने पिछले बार पेपर करा उसको ये एहसास हो गया कि पेपर की कठिनाई इस तरह काफ़ी उन्होंने ज़्यादा रख दी थी, बाद में उन्होंने निगेटिव मार्किंग को हटा दिया और कम जो उत्तरांक था उसको भी कम किया, तो क्वालिफाई मार्क जो था, इसलिए इस बार का पेपर जो है उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये जानते रहे कि पूरी तरह से ये NCERT बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा NCERT का बोलबाला रहने वाला है, इसलिए एकदम आपको चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा। पूरी तरह से NCERT पैटर्न होगा। इस 120 नंबर के पेपर में भी 2 सेक्शन होगा, एक होगा ए और बी। बी का मतलब जो खंड दूसरा होगा, माने भाग क, भाग ब, भाग एक, भाग दो, तो जो दूसरा भाग होगा ये 40 नंबर होगा, ये सभी के लिए कॉमन होगा। ये अगर हम बात करें जितने भी लोग अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे, ये सभी के लिए कॉमन होगा। कॉमन का मतलब चाहे आप विज्ञान लें, चाहे गणित विज्ञान हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया ना, अभी जब पूर्व विज्ञप्ति आ जाएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा, चाहे सामाजिक विज्ञान ले, चाहे भाषा ले, सभी को ये 40 नंबर कंपलसरी है, चाहे पाली ले, चाहे उर्दू ले, चाहे बंगला ले, चाहे वो SST ले, चाहे विज्ञान गणित ले, तो यहाँ पर कॉमन है। इस 40 नंबर में जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं वो समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका GS आएगा,
जी के आएगा। अब जीएचईके की बात करें तो जीएचईके स्टैंडर्ड लेवल का, क्योंकि बीपीएससी पूछ रहा है तभी समझ रहे हैं कि बीपीएससी का जब लेवल होगा किस लेवल का होगा। इस जीएचईके में आपको इतिहास पढ़नी है, इतिहास में तीनों इतिहास पढ़नी है, लेकिन जो सिलेबस में दिया गया वो केवल आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है और भूगोल दिया है, बाकी ये ना इकोनॉमिक्स दिया है ना पॉलिटी दिया है। आपको पता है दोनों सवाल आते हैं, तो आपको पॉलिटी भी पढ़नी है और ज्योग्राफी पढ़नी, वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, हिस्ट्री तीनों पढ़नी है और आधुनिक भारत के इतिहास जो है वो भी आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, फिर करंट अवेयरनेस है, इसमें क्या है आपका करंट अफेयर है, करंट अवेयरनेस है, बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि बिहार से भी सवाल पूछे जाते हैं। जीएचई क्या हो गया, करंट हो गया, मैथ हो गया, यहां पे सवाल 40 नंबर में मैथ से भी सवाल रहेंगे, ये सभी के लिए कॉमन है, 40 नंबर है, उच्च माध्यमिक माध्यमिक सभी के लिए कॉमन है ये, मैथ से हो गया, फिर रीजनिंग हो गया आपका, ये रीजनिंग हो गया, रीजनिंग भी सबके लिए कॉमन है, इसके साथ साथ बिहार हो गया यहां पे, इसके साथ साथ क्या हो गया आपका बिहार स्पेशल, मैंने बिहार जीके कह सकते हैं, बिहार जीके हो गया, और इस पर एक तरह से हम कह सकते हैं जीएस जीके का नंबर, ये 40 बहुत निर्णायक है। ये सर ये 40 निर्णायक क्यों है, आपने देखा होगा पीजीटी में 39 नंबर पाने वाला भी पीजीटी में सेलेक्ट हो गया, अब 40 नंबर का एक यही पेपर है कॉमन पेपर, तो कॉमन पेपर के महत्व आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा महत्व है इस कॉमन पेपर का, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। इसकी भी पूरी जो नोट्स है वो ई लर्निंग पे दुर्गेश उपलब्ध है, ये पूरी नोट्स आप ई लर्निंग पे दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, केवल केवल हो सकता है आपके पास इसकी नोट्स हो या इसकी नोट्स नहीं, तो केवल केवल इस 40 नंबर के कॉमन पेपर की नोट्स मिल जाएगी और इसको प्रैक्टिस भर आपको लगातार करते रहना है। दूसरे ये समझ में आया कि ये सबके लिए कॉमन है, मैं इस पर फिर से बता दूं, इसमें जीएसजीके होगा, जीएसजीके विविध होगा, जीएसजीके विविध का मतलब आप समझ सकते हैं इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान होगा, अर्थशास्त्र होगा, कंप्यूटर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, साइंस से भी सवाल खूब स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आता है साइंस का, इसलिए साइंस होगा पूरा, ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है लेकिन कॉमन जीएस होता है। इसकी स्पेशल नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर है जो आपके तीनों में काम आएगी, ये माध्यमिक में भी काम आएगा, उच्च माध्यमिक में काम आएगा और मध्य माध्यमिक माने 6 से 8 में, 9, 10, 11, 12 तीनों में ये काम आएगा, तीनों में ये कॉमन है, यहाँ तक कि पीआरटी में भी कॉमन है, तब चाहे बीटीसी के अभ्यर्थी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, उस सभी के लिए कॉमन है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आपको करना है। अब हम आते हैं इस 80 नंबर की तरफ, ये 80 नंबर जो होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। इस सब्जेक्ट में जो साइंस मैथ का चयन कर रहे हैं अभी तक फिलहाल जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, साइंस वालों को केवल साइंस आएगा, मैथ वालों को केवल 80% मैथ का आएगा, लेकिन अभी जो अनुभव कह रहा है वो ये कह रहा है कि साइंस मैथ एक ही में पेपर होगा जैसा कि सीटेट का होता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट है कि विज्ञान के अलग गणित के अलग होगी, जो बीपीएससी से बात करने पर जो चीजें पता चली है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर यहाँ क्लियर हुई, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये, और ये जो पूरा पैटर्न होगा मैंने आपको पहले बताया पूरा एनसीईआरटी पैटर्न, पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी पैटर्न है। अब सोशल की बात करें, सोशल में 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, सोशल की अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई और सिविक्स हो गया, लेकिन जो इकोनॉमिक्स होगा वो 9, 10, 11, 12 होगा, ये आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ विज्ञान गणित की तो इसमें आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है, वही कंडीशन सामाजिक विज्ञान में है, यहां पर आपको 6 से लेकर 10 तक की पूरी पढ़नी होगी। 10 तक में अगर मैं बात करूं तो जो इकोनॉमिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक्स है वो केवल केवल आप जो अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स केवल 9, 10, 11, 12 में होता है, तो इकोनॉमिक्स आपको केवल 9, 10 का मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट 6 से लेकर 10 तक, इतिहास 6 से 10, भूगोल और सिविक 6 से 10 पूरा कंप्लीटली आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। एक विशेष बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट लेना कैसे है, जैसे अगर सोशल में आप जा रहे हैं, सोशल में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा इसमें भूगोल इतिहास 4 विषय होते हैं, समझने का प्रयास करके ध्यान समझिएगा, इतिहास, भूगोल, सिविक्स और इकोनॉमिक्स 4 सेक्शन होते हैं सामाजिक के, इसमें 2 आपको लेने हैं, 2 विषय का चयन करना है, 2 विषय में आप ध्यान समझिएगा, आपको एक तो इतिहास भूगोल 2 में से किसी एक को लेना अनिवार्य है, चाहे इतिहास ले चाहे भूगोल ले, और आप इन 2 सब्जेक्ट में से इतिहास भूगोल भी केवल ले सकते हैं, या इतिहास के साथ भूगोल ले लें, या इतिहास के साथ सिविक्स ले लें, इतिहास के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, या भूगोल के साथ इतिहास ले लें, भूगोल के साथ इतिहास ले लें, या भूगोल के साथ आप सिविक्स ले लें, या भूगोल के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, तो ये समझना है कि इतिहास भूगोल में से कोई एक आपको रखना है, आप दोनों भी रख सकते हैं, या इतिहास के साथ आप सिविक्स रख सकते हैं या इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इतिहास रखें चाहे सिविक्स रखें चाहे आप इकोनॉमिक्स रखें, लेकिन उसमें दोनों में इतिहास या भूगोल कॉमन होना चाहिए और आप दोनों भी रख सकते हैं, इसलिए जो सोशल है उसको यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया। अब अगर आप कहेंगे कि सर इसके एक एक विषय की
कंप्लीट अलग अलग सिलेबस की कंप्लीट वीडियो बना दीजिए तो मैं उस पर भी कंप्लीट आपकी वीडियो बना दूंगा, उस पर भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे तो सीडीपी अगर निकाल दे रहे हैं तो आप पूरे पैटर्न पूरे सिलेबस को कवर कर लिए। अगर आपने सुपर टेट की तैयारी यूपी में किया है तो आप यकीन मानिए आप यहां पर आसानी से अंकों को अर्जित कर पाएंगे। तो ये जो दोनों मैंने बताया ये मैंने आपको एनसीईआरटी बताया, जैसे मैं इसको यहां इरेज कर दे रहा हूं आपके मन में आइए मैंने क्या चीजें यहां पर लिख दी है, तो ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न जो था उस पर मैंने पूरा फोकस किया। अभी ये 80 नंबर में सोशल का मैंने बता दिया, हिंदी जो होगा वो आपको ग्रामर और जो ग्रामर आपको पढ़ना ही है, ग्रामर साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ी चीज ध्यान देना होगा साहित्य पर भी, इंग्लिश में लिटरेचर पर भी ध्यान देना होगा, तो साहित्य से भी सवाल खूब झोला भर भर के आएंगे। इसलिए जो नोट्स आप लेंगे यहाँ पर, अगर आप नोट्स लेते हैं सिलेबस के साथ साथ अगर आपको ये लगता है नहीं ये लर्निंग में नोट्स, तो नोट्स आपको यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैं आगे वीडियो भी जारी रखूंगा, टेलीग्राम पर जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर ना दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास वीडियो लिंक नोटिफिकेशन आपको एक ही जगह मिल जाती है। आज ही टेलीग्राम पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिन्हों बिहार से संबंधित जो सूचना चाहिए क्लासेज चाहिए उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो ई लर्निंग विद दुर्गेश का, उस पर भी आप लोग काल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर उसका नंबर लिख दे रहा हूँ आपके शायद काम आ जाएगा, इस पर आप अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा से जुड़ी हुई सभी चीजें बिहार शिक्षक बोर्ड से जुड़ी चीजों को यहाँ पर अपडेट आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो ये नंबर आप सेव करके लीजिए, बस नाम केवल इस पर व्हाट्सएप होगा, कॉल अप नहीं करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर आप कहेंगे तो एक एक करके तोड़ तोड़कर मैं विषयवार बना दूंगा। मैं बात करता हूं हिंदी की, तो हिंदी आपको ग्रामर पढ़ना है लिटरेचर पढ़ना है। अब जो भी अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थी अभी तक बीटीसी के अभ्यर्थी ये समझ ले, बीएड वाले ध्यान समझे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जैसे आपने सोशल लिया, अगर आपका माध्यमिक में 9-10 में टीजीटी में भी आपने भरा फॉर्म पीजीटी में भी भरा है तो आप एनसीईआरटी 6-12 तक पढ़ने का प्रयास करिएगा, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे जूनियर हो। लेकिन अगर आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं तो पहली प्रथम दृष्टि आप 6-10 तक एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास करिएगा। जो एनसीईआरटी सेशन है वो एनसीईआरटी 6-10, इसके लिए जो एनसीईआरटी होगी आपके लिए मैं यहाँ पे बताऊँ, इसके लिए जो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं 6-10 तक की एनसीईआरटी नोट्स 6-10 तक आप पढ़िएगा, इसके लिए आप अगर समय है तो 6-12 तक का पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पर फोकस करिए। क्योंकि आपने देखा है कि एकदम साफ साफ सिलेबस में बीपीएससी ने एनसीईआरटी रखा है और पिछली बार पेपर देख के आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी की किताबें ओल्ड और न्यू दो एनसीईआरटी है, ओल्ड वाले में कुछ चैप्टर ज्यादा है न्यू वाले में चैप्टर्स कम है। अगर आप नोट्स ले लेंगे उसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों मिल जाएंगे, साथ ही उसका सलूशन भी एनसीईआरटी का मिल जाएगा, तो दो बड़े काम आपके हो जाएंगे। तीसरा बड़ा काम यह है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में नोट्स उपलब्ध है एनसीईआरटी के, जो आप घर बैठे पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नोट्स आप लेने भी दुर्गेश से तो नोट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी नोट्स बहुत ही कंपलसरी आप सभी के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं देखिए आप सिलेक्शन में कितना भी पढ़ लीजिए रिविजन आपके लिए जरूरी है, रिविजन करने के लिए किताबें नहीं है, रिविजन करने के लिए नोट्स है। नोट्स में ऑथेंटिक चीजें एक जगह शॉर्ट में मिल जाती हैं और किताबें जब पढ़ते हैं तो भटकते रहते हैं, यहाँ से ये पढ़ना ये नहीं छोड़ना ये पढ़ना है वो पढ़ना, तो एनसीईआरटी आपको क्रमबद्ध ज्ञान आपकी तरफ लेकर चलेगा जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिलकर तैयार है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने खुद नोट्स बनाया तो ठीक है या कोई आपका मित्र बनाया तो ठीक है, अन्यथा आप कोचिंगों की जगह क्लासेज ज्वाइन करने से बढ़िया आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। सेल्फ स्टडी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टडी में से एक है और सफलता अगर आपको अंतिम रूप से चयन लेना है तो आपके लिए सेल्फ स्टडी करना होगा, सेल्फ स्टडी आपके लिए बेस्ट होगा। और सेल्फ स्टडी के लिए आप अपना नोट्स प्रयोग कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश एनसीईआरटी जो है और इसके नोट्स के लिए आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, जगह कही है यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ, मैं फिलहाल फिर से यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ शायद आपके काम आ जाए, 6306344367। और अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर जो पेपर बी है माने पेपर दूसरा का भाग जो दो है उसके कॉमन पेपर के लिए मैं कल से एक लाइव सेशन आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा जो विषय वार सब्जेक्ट वार डे बाय डे होगा क्योंकि सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे सर इसकी क्लासेस चले तो मेरी क्लासेस निशुल्क होंगी क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ निशुल्क देशित में राजित में ये चैनल गेस्ट के रूप में मैं आता हूँ इस पर पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सौरभ जी गोलू जी का है विपिन जी का है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और आप नोट संबंधित जो है पूरी पीडीएफ में नोट्स आपको मिल जाएगी, आप अपनी सुविधानुसार इसका यूज कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है वो भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे 6-12 तक के सभी विषयों के नोट्स मिल जाएगी। अब आपको हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि अब
आप किस विषय का चयन कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं विज्ञान गणित की अलग अलग मतलब एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, सामाजिक विज्ञान की अलग बना दूंगा कंप्लीट सिलेबस का, भाषा में भी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी इन सब की अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा था सर जूनियर शिक्षक भर्ती जुड़ी हुई प्रत्येक पहलुओं की छोटी छोटी बिंदुओं की एक स्पेशल वीडियो बनाई, तो मैंने आपके लिए बना दिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, सारी जानकारी आपको मिल गई, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप इस चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करिएगा, लेकिन वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। आपका एक शेयर हमें थैंक यू के लिए होगा और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। और शेयर करने पे क्या होगा, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है फेसबुक है उन सभी लोगों तक ये अथेंटिक चीज़ें पहुंच पाएंगी। लोग कन्फ्यूज है उन्हें करना क्या, इस पेपर में केवल पास होना है, इसमें केवल स्कोर करना है, इसी से आपकी मेरिट बननी है, इससे बिना पास किए इसकी मेरिट बननी नहीं है। तो इसको रिविजन करना, इस पर फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको नोट्स में एक जगह मिल जाता है। आप चाहे तो नोट्स अपने ले सकते हैं, वैसे आप खुद पढ़ें सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना नोट्स लेंगे तो सेल्फ ही पढ़ना होगा, क्योंकि समय कम है, क्योंकि जिस हिसाब से बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं स्पीड जो है उससे कम समय मिलेगा, और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स बेहतर कोई दूसरा विकल्प मुझे नजर नहीं आता। वैसे आपकी क्या राय है इस वीडियो में अपना कमेंट करेगा, कोई सुझाव दीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें एक एक करके दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उन सभी तथ्यों पर फिर से वीडियो बनाएंगे। और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम है, उस पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उन सभी का थैंक यू जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन विषय के भी हम वीडियोज लेक्चर लेकर जो निशुल्क होगी आपके लिए जो नोट्स के माध्यम से होगा, तो आप चैनल पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास की टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, जो हम इस 40 नंबर की जो कॉमन पेपर है, चाहे वो माध्यमिक हो उच्च माध्यमिक हो चाहे मध्य माध्यमिक हो, मतलब जूनियर हो TGTU PGTU सभी के लिए कॉमन जो है, इसका जो स्टैंडर्ड है उस लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, आप सभी का आभार, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा बिहार में भी सपना पूरा करना, इस बार भी लोगों ने पूरा किया, अब की बारी आपकी है। ठीक है, तो BTC DLED और BEd तीनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सीटेट नहीं पास है पेरिंग में डाल सकते हैं, सीटेट पास है घबराना नहीं फॉर्म भरिए, अगर आपके मन में थोड़ा सा नंबर को लेकर घबराहट है तो पेरिंग में डाल दीजिएगा। फिलहाल अगर कोई भी सवाल आपके है तो कमेंट करेगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। सिलेबस को लेकर आपके मन में अगर किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी है वो वीडियो कमेंट कर देंगे, तो मैं सिलेबस पर भी कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी मित्रों, लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ाया आपको। ठीक है, बाय बाय।